खबर रुड़की से। विधायक निधि से लगेगा शहर में मिनी ऑक्सीजन प्लांट। कोविड महामारी के चलते ऑक्सीजन की लगातार कमी महसूस की जा रही थी, जिसके कारण रुड़की में भी कई लोग अकाल का ग्रास बन गया। लेकिन अब जल्द ही रुड़की में विधायक निधि से मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। प्लांट लगने से ऑक्सीजन का संकट शहर से दूर हो जाएगा। नगर विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया कि विधायक निधि से 50 से 60 लाख की लागत से एक मिनी ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही कैंप कार्यालय में लगाया जाएगा। ये प्लांट अगले 3 सप्ताह में बनकर तैयार हो जाएगा, जिस पर निःशुल्क ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ऑक्सीजन का संकट दूर होगा। वर्तमान में नगर विधायक द्वारा रुड़की वासियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत स्तर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हेल्पिंग हैंड केयर सेंटर में लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है। यहां पर प्रतिदिन 20 से 25 मरीजों को ऑक्सीजन लगाई जा रही है। प्रतिदिन 200 से अधिक कोरोना टेस्ट और प्रतिदिन 100 व्यक्तियों को वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। इसके साथ आयुष रक्षा किट, विटामिन सी, कैल्शियम और बुखार आदि की दवाइयां निःशुल्क बांटी जा रही हैं, जिससे लोगों को लगातार लाभ मिल रहा है। इस चीज़ की ज़रूरत है, लोग ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं, लोग टेस्टिंग के लिए परेशान हैं और लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो ये सेंटर हम लोगों ने बनाया, सबके सहयोग से चल रहा है। संजय जी हमारे साथ हैं, रवि प्रकाश जी और कई सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस हेल्पिंग हैंड कोविड सेंटर को चला रही हैं। आप देखिए यहाँ पर कितनी साफ सफाई है, कितनी सुविधा लोगों को मिल रही है, 24 घंटे ऑक्सीजन लोगों को यहाँ पर मिल रही है और भी कई सारी फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर फैसिलिटी, मेडिसिन फैसिलिटी सारी हम यहाँ पर दे रहे हैं लोगों को। और कोशिश कर रहे हैं कि रुड़की में कोई भी व्यक्ति चाहे कोरोना से बीमार हो, पॉजिटिव हो, वो परेशान ना हो। तो कंट्रोल करने के लिए इस तरह का कोविड हेल्थ सेंटर बनाया गया है और ऑक्सीजन प्लांट भी बहुत जल्दी लगाया जाएगा। देखिए सरकार जागरूक है, लगातार प्रयास कर रही है। आज ही माननीय मुख्यमंत्री घोषणा करी कि सभी अस्पतालों में जो 30 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, तो ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में दूर कर ली जाएगी। शहर में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में से ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की वजह से काफ़ी हादसे हो चुके हैं, काफ़ी लोग से राहत बन चुके हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए ही हमने ऑक्सीजन प्लांट लगाने का प्लान बनाया है। ऑक्सीजन प्लांट 50 लाख की लागत से बनेगा और रुड़की में कैंप ऑफिस में हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं और ये बना हुआ आएगा और तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। 1 महीने के अंदर लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई और कहते हैं सिलेंडर के भरे हुए हम रुड़की से ही लोगों को देंगे, लोगों को लाइन में लगने की जरूरत पड़ेगी। खबर भारतवर्ष के लिए रुड़की उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।